हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं संजय सरवरे समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की, जो कि दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत सामने आ रही है। दमोह के कचौरा मार्केट में एक हत्या कर दी गई थी। बाबू खान नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। खून से सनी हुई लाश देखी गई थी। पुलिस को मामले की जानकारी लगी थी। पुलिस मौके पर पहुंची, संपूर्ण मामले में जांच प्रारंभ की गई। परिजनों के द्वारा हत्या की आशंका जताई गई थी। काफी गंभीर घाव देखे गए थे, चारों ओर खून ही खून नजर आ रहा था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया गया। सीसीटीवी फुटेज ने संपूर्ण राज खोल दिए। बताया जाता है कि यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसके आधार पर पुलिस को आरोपी तक पहुँचने में काफ़ी आसानी हुई। सिविल वार्ड नंबर 1 के देवेश रैकवार नाम के युवक के द्वारा यह हत्या की गई है। समलैंगिक संबंध को लेकर यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस के द्वारा संपूर्ण मामले को सुलझा लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दमोह पुलिस कंट्रोल रूम में आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जहाँ पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी एवं दमोह नगर कोतवाली से SI सविता रजक मौजूद रहीं। किस तरह से इस मामले का खुलासा हुआ, क्या आरोपी के द्वारा किया गया, क्या कारण रहे हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दमोह के द्वारा इस संबंध में क्या जानकारी दी गई। सुबह सब्जी मंडी दमोह से कंट्रोल रूम को सूचना आई कि सब्जी मंडी में एक सौ पड़ी हुई है। सूचना के तत्काल बाद थाना प्रभारी CSP साहब और हमारे वरिष्ठ अधिकारी FSL टीम जाके घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान साक्ष्यों के आधार पर पुलिस अधीक्षक ने पूरे टीम को निर्देशित किया। उन निर्देशों का बारीकी से जांच करने पर बाबू खान मृतक है, उसके रूप में उसकी पहचान की गई। इसके बाद आगे विवेचना में देवेश रैकवार के रूप में आरोपी चिन्हित हुए, जिससे पूछताछ किया गया। उन्होंने अपना घटना स्वीकार किया। घटना का मुख्य कारण है समलैंगिक संबंध बनाने को लेकर है। संबंध बनाने के लिए कुछ पैसों का लेन देन और आपसी विवाद हुआ, जिसके कारण आरोपी देवेश रैकवार ने उसे चाकू से हमला किया और प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जा रही है। आगे जो भी साक्ष्य होंगे उस आधार पर उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, कौन समलैंगिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे? आरोपी देवेश रैकवार। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार।